बास को अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब अल्लाह के नबी कश्ती बना रहे थे, जैसे ही आप दिन में कश्ती बनाकर घर को जाते तो शैतान रात को आकर जितनी कश्ती बनी होती इसको तोड़ देता। चनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने बास को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो अपने कबाइल को लेकर इस कश्ती की हिफाजत करता रहे। बास नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिफाजत करता था और जब तमाम चिरिंद परिंद कश्ती में सवार हो गए तब भी ये परिंदा नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कश्ती में मौजूद तमाम चीजों की हिफाजत निगरानी करता था। जब कश्ती तूफान के बाद साहिल तक पहुँची तो ये अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो नूह अलैहिस्सलाम खुश होकर फरमाने लगे, ए फजा में परवास करने वाले परिंदे, अल्लाह तेरी परवास को ऊंचा रखे और तुझको तमाम परिंदों का सरदार बनाए और तू जहाँ जहाँ जिस घर से गुजरेगा उस घर के जितने भी माज असरात होंगे वो खत्म हो जाएंगे।